भूपेश बघेल के बड़का निर्णय, पुलिस परिवार के मांग मा विचार बर करीस उच्च स्तरीय कमेटी गठित। एडीजी हिमांशु गुप्ता के अध्यक्षता में बनाए गई सशक्त समिति, कमेटी पुलिस कर्मी के मांग मा सरकार ल सौंपी रिपोर्ट। कोरोना काल में 6 महीना सेवा देवैया अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी मन ल भर्ती में मिली 10 नंबर के बोनस अंक, स्वास्थ्य विभाग आदेश करी जारी, करीब 5,000 अस्थायी कर्मचारी मन ल होही एखर फायदा। लोकसभा में गुंजिस प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दा, सांसद सुनील सोनी कहिस योजना में प्रधानमंत्री के जुड़े है नाव, एखर ले सीएम नहीं देवा थे राशि के अंश, त सांसद दीपक बैज कहिस केंद्र सरकार नहीं दिए है 2 बछर के पैसा। प्रदेश के जिन शहर में चुनाव होही वहाँ मतदान के दिन स्कूल कॉलेज कार्यालय और सरकारी संस्थान रही बंद, राज्य सरकार ह 20 दिसंबर के ये शहर मन में सामान्य अवकाश के करी घोषणा। प्रदेश में धान खरीदी शुरू होत ही तस्करी नहीं लेवत है रुके के नाव, सूरजपुर जिला के गणेशपुर गांव में खरीदी केंद्र में फर्जी तरीका ले धान खपाए लाए रही से किसान, जिला एसडीएम हां कार्रवाई करत 50 क्विंटल धान करी जब्त। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में शादी समारोह ले लौटत बेरा तेज रफ्तार कार के टक्कर ले बाइक में सवार 2 महिला और 1 पुरुष के हुई मौत, उसलापुर ओवरब्रिज के ऊपर हुई हादसा। कोरबा कुछ मुंडा खदान में चले गोलीकांड के मामला माइस नवा मोड़, प्रार्थी ही निकली आरोपी, बता दन के 28 नवंबर के रात बिलासपुर चकरभाठा निवासी सुमित चौधरी है एसपी ला गोली लगे के दिए रही सूचना, जिन निष्पक्ष जांच के बाद पता चली के घटना के मुख्य मास्टरमाइंड है साजिद खान, जिन गोपू पांडे के इशारा मा आरोपी सुमित चौधरी है खुद गोली खाए बर हुई तैयार, जिला प्लान के तहत दोस्त हा गोली चला के करे रही घायल, वारदात में 9 आरोपी है शामिल जेमा के 2 आरोपी गिरफ्तार और 7 आरोपी है फरार, अशरफ खान के साथ लेन देन के मामला ले के रचे गए रही ये साजिश। बलरामपुर में डीएमएलटी कोर्स कराए के नाव में प्राइवेट शिक्षण संस्थान के संचालक हा 12 ले ज्यादा बेरोजगार युवक और युवती ले लाखों रुपया के करीस ठगी, फिर छात्र मन ल बांटीस फर्जी सर्टिफिकेट, एक टेक्निकल एजुकेशन हेल्थ रिसर्च सेंटर के संचालक अनुज गुप्ता ऊपर ठगी के लगाए गए आरोप, संचालक के खिलाफ ठगी के केस दर्ज कर मामला के जांच करत पुलिस। प्रदेश के एकमात्र हृदय के बीमारी के सरकारी अस्पताल में लंबा समय ले सर्जरी के बाद जोहत मरीज मन ल मिलीस बड़का राहत, सर्जरी बर आवश्यक सामग्री के अभाव में कई महीना ले लटके एंजियोप्लास्टी और वाल्व रिप्लेसमेंट के प्रक्रिया फिर हुई शुरू, जरूरतमंद मरीज ला एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में हृदय और नस ले संबंधित बीमारी के उपचार के मिली लाभ। दुर्ग जिला में एक किसान के अपहरण ले मची हड़कंप, चंद्रखुरी अपन फार्म हाउस ले सोमवार के घर पर निकले किसान शिवांग चंद्राकर नहीं पहुंचिस घर, दूसर दिन भिहनिया खेत में लवारिस हालत में पड़े मिलीस ओखर गाड़ी, अपहरण के आशंका में पुलिस युवक के खोजबीन करी शुरू। बिलासपुर के बेलगहना में बाघ के पंजा के मिले निशान और भैंस के शिकार करे के घटना घलो आहे आघू, दूसर कति कोटा वन परिक्षेत्र में तेंदुआ हा बैल ऊपर करी हमला, वन विभाग के ट्रैपिंग कैमरा में घलो तेंदुआ के तस्वीर हुई कैद, वन परिक्षेत्र के ग्रामीण इलाका मन में दहशत के है माहौल, वन विभाग के मैदानी अमला हा भी वन समिति के बैठक लेके जंगली जानवर ले बचे मुनादी कराए के दी सलाह। छत्तीसगढ़ विश्व स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण के बनने वाला है नवा ठिकाना, एकर बन नवा रायपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च बन के ही तैयार, ये संस्थान में ट्रक बस डंपर जैसे बड़े वाहन के साथ गैर व्यवसायिक मध्यम और हल्का वाहन लग घलो चलाए के देहे जाही प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री बघेल 9 दिसंबर के एक समारोह में ये संस्थान के करही लोकार्पण। जगदलपुर में 22 मवेशी संग 2 तस्कर मन ल धर दबोची शिव सैनिक और बजरंग दल के सदस्य, गाय मन ल गाड़ी में भर के छत्तीसगढ़ ले दूसर कति ले जावत रहिन तस्कर, परपा थाना क्षेत्र के है मामला, दोनों तस्कर ल हिरासत में लेके पूछताछ कर जांच में जुटीस पुलिस। बछर 2020-21 बर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण बर देहे जाए वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार के श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के करे गए चयन, 14 दिसंबर के विज्ञान भवन नवा दिल्ली में ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ला ये पुरस्कार करे जाही प्रदान। कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय, स्वामी आत्मानंद स्कूल में बस्तर और सरगुजा कोरबा में शिक्षक भर्ती में छूट, राइस मिलर मन ला कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल 120 रुपया के मंजूरी,
स्कूल बस मन ल मिलीस कोविड के छूट। आज फिर भिलाई इस्पात संयंत्र में हुई से एक बड़का दुर्घटना, गिर के फैलीस 180 टन पिघले हुए लोहा, आसपास मचीस भगदड़। ये दौरान कोनो के हताहत होए के नहीं है जानकारी। यूनियन मन एला प्रबंधन के लापरवाही बतात हुए सुरक्षा चौकस करे के करीन मांग। प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगन बर पानी और पर्यावरण ला बचाए बर राज्य सरकार करत है बड़का प्लानिंग। पानी खर्च करे के घलो देहे जाही राशनिंग, ये तय सीमा ले ज्यादा पानी खर्च करे में लोगन ला देना हुई पैसा। पानी के बर्बादी रोके और संभल के उपयोग ला लेके हर घर, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर आदि में बिजली के जैसे मीटर लगाए के है योजना। अंबिकापुर के प्रेम नगर ला नगर पंचायत बने 10 बछर ले ऊपर हुआ है, लेकिन अभी भी कई वार्ड में सड़क, बिजली और पानी के है समस्या। बस्ती ले मुख्य मार्ग तक नहीं बने है सड़क, बारिश में लोगन ला घर ले निकलना हो जाते मुश्किल। वार्ड क्रमांक 15 के लोगन ढूंढी के पानी पिए बर है मजबूर। पाछू बछर डेवलपमेंट बर यहाँ 30 करोड़ हुई खर्च, लेकिन कई वार्ड में अभी भी है बदतर स्थिति। बिलाईगढ़ में दहेज में कार और 3 लाख रुपया नहीं देहे में पति ह पत्नी संग करीस मारपीट। बिलाईगढ़ पुलिस FIR लिखे ले करीस इनकार, कहीस कुछ लोगन के नाम हटवावे तभी लिखा ही FIR। बता दन अमलडीहा निवासी वीना कैवर्त हा थाना में अपन पति समेत ससुराल के कुछ लोगन के ऊपर दहेज के नाम में प्रताड़ना और मारपीट करे के आरोप लगात हुए कराए रिपोर्ट दर्ज। पुलिस परिवार द्वारा चलाए जात आंदोलन अभनपुर थाना परिसर में जाके हुई समाप्त। मंगलवार रात ले ही थाना में डटे रहिन सब्बो आंदोलनकारी, एकर पहली नेशनल हाईवे ला करे रहिन जाम, जेखर बाद ओमन ला थाना लेके पहुंचे रहिस पुलिस। कोरोना के नवा वेरिएंट ला देखत हुए कोरबा जिला के ऑटो संघ हुईस अलर्ट। ऑटो चालक मन बर संघ के नवा फरमान, अब बिना वैक्सीनेशन के नहीं चला पाही ऑटो। संघ के अध्यक्ष ह सब्बो ऑटो चालक और परिजन मन ला टीका लगवाए के करे है अपील। धान खरीदी और बारदाना समेत किसान मन के समस्या लले के बिलासपुर के स्थानीय विश्राम गृह में उप नेता प्रतिपक्ष और मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी है सीपत प्रेस क्लब के पत्रकार मन करना करीस प्रेस वार्ता। विधायक डॉक्टर बांधी है भूपेश सरकार ऊपर बरसत हुए कहिस के कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमान ले लगातार पिसात जावत है किसान, नहीं कर पावत है बारदाना के नियंत्रण, बारदाना बर सरकार हो गए फेल। 11 दिसंबर के किसान के समस्या ले लेके देहे जाही SDM ला ज्ञापन। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय ले 15 किलोमीटर दूरी है स्थित नियोको सीमेंट सोना डी के मजदूर मन संयंत्र के गेट में धरना दिए बर सौंपिन ज्ञापन। नियोको सीमेंट सोना डी के रेलवे साइडिंग में काम करैया कामगार मन संतोष यदु के साथ संयंत्र के मेन गेट पहुँच के कंपनी प्रबंधन करना काम समान वेतन देहे के करीन मांग, और मांग हा पूरा नहीं हुए मां धरना प्रदर्शन करे के दिन चेतावनी। अभी बेरा है छोटकुन ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद फिर मिलबो। आप मन कहूं जाऊ जन देखत रहा आप मन के अपन चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।